शुरू करते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो सिविक्स क्लास 10 का जो चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, यानी कि टाइप 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे क्या कि डिस्क्राइब द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, एक तरह से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, सेकंड चीज होगा अगर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर अनेसेसरी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी, एनालाइज द स्टेटमेंट, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है ना डेमोक्रेसी के लिए ना एक नेसेसरी कंडीशन होता है, एक बहुत ही जरूरी कंडीशन होता है, इस स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए। या फिर ये पूछता है कि पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ मेजर रोल इन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, मतलब अगर इस तरह से पूछता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना मेजर रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में और इसके सपोर्ट में ना 5 पॉइंट आप बताएं, तो ये भी एक तरह से सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज आर राइटली कॉल्ड द गवर्नमेंट इन डिसगाइज, मतलब कि एक तरह से ना एक दूसरा रूप होता है क्या पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो गवर्नमेंट का ना वो क्या होता है ना एक दूसरा रूप होता है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन रिफरेंस टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी गिविंग 5 आर्गुमेंट्स, 5 आर्गुमेंट देना है इसके लिए, ठीक है। या फिर अगर पूछ दे कि अबाउट 100 ईयर्स अगो देयर वर फ्यू कंट्रीज दैट हैड हार्डली एनी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब 100 साल पहले ना कई थोड़ी ही ऐसी कंट्रीज थे जहां पे क्या था पॉलिटिकल पार्टी थे, नाउ देयर आर फ्यू कंट्रीज दैट डू नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन अब जो है ना क्या है बहुत थोड़ी ही कंट्री ऐसे हैं जहां पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को अगर एग्जामिन करने की बात आए तो हमें जो है ना इन सारे क्वेश्चंस के बदले में हमें एक आंसर को करना है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन के बदले में हमें एक आंसर तैयार करना है और बिल्कुल ये जो है ना इसमें जो है ना पॉलिटिकल पार्टी का इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेसी जो एसेंस बोले जो मैं बात कहूं कि क्या इम्पोर्टेंस है, इस सारे बातों में एक चीज जो सामने खुल के आ रहा है क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ, क्या पूछ रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ। तो सबसे पहले इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हमको ये चीज जानना हो कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो इससे हमसे ये पूछा जा रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी, ये हमसे पूछा जा रहा है, यही हमारा एसेंस है, ठीक है ना, यही हमको जो है ना हमसे जानना चाहता है क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को ना इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं ना कुछ आंसर को लिखने के लिए क्या कहते हैं ना पूरे पार्ट को, यानी पूरे अपने आंसर को 3 पार्ट में खत्म करें। एक तो इंट्रो लिख देंगे, सेकंड पार्ट होगा हमारा बॉडी पार्ट होगा जिसमें हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ द थिंग्स जो है ना जस्टिफिकेशन यहाँ पे देंगे, क्या क्या जस्टिफिकेशन में हमारे पास, ठीक है ना, वो सारे पॉइंट्स को यहाँ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे एक कॉन्क्लूजन दे देंगे, ठीक है, और इस तरह से हमारा जो है ना वो आंसर तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रो की बात, ठीक है। तो इंटर में जब हमें पता है कि इम्पोर्टेंस है ना इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे जो क्वेश्चन का आंसर का जो लाइन है ना वो हमें मिल गया, ठीक है, उसको हम लोगों ने जज कर लिया। तो इट इज ट्रू दैट बिफोर 100 इयर्स अगो देयर वर फ्यू कंट्रीज विद पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब आज से 100 साल पहले शायद ऐसा कोई कंट्री था जहां पे क्या था पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है। अब जो है ना नाउ देयर आर फ्यू कंट्रीज दैट डू नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन अब शायद ही ऐसी कोई कंट्री है जहां पे पॉलिटिकल पार्टी ना नहीं है, ठीक है ना, और ऐसा इसलिए है बिकॉज दिस इज लार्जली बिकॉज द डेमोक्रेसी बिकमिंग पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड, सारी दुनिया में ना पॉपुलरिटी इसका जो है ना डेमोक्रेसी का ना पॉपुलरिटी जो है ना वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है ना। सारी कंट्रीज जो है ना वो चाहती है अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाने का, तो डेमोक्रेसी बगैर इलेक्शन का होता नहीं है, और इलेक्शन होगा तो फिर क्या होगा पॉलिटिकल पार्टी का आना तो होना तो जरूरी ही है। इसलिए अब यहां इंडिया की ही बात कर ले तो इंडिया में इन इंडिया ओवर 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है ना एक बॉडी होता है, उस बॉडी में क्या होता है ना जो कि इलेक्शन को कंडक्ट कराती है पूरे कंट्री में इंडिया में, तो उससे जो है ना लगभग 750 यानी कि 750 से भी कहीं ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो है ना क्या है उससे रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, इस यानी कि रजिस्टर्ड है, ठीक है। और एक और चीज, अब हमें जो है ना अपने आंसर को क्रिटिकली भी एनालाइज करना, मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टी में बताना चाहिए हमें, ठीक है, मतलब क्या बोले ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी हमें बताना चाहिए। तो नेगेटिव पार्टी में क्या है, इट इज ट्रू दैट द पॉलिटिकल पार्टीज आर बिकमिंग एनवाइन फैक्टर टू। अब क्या होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज, अगर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो जाना तो क्या होता है कि वो कुछ एनवाइन फैक्टर भी हो जाता है, उससे कुछ
क्या होता है ना, परेशानियां भी बढ़ जाती है, लोगों को एनवाय भी करता है, परेशानियां भी बढ़ जाती है। मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, मतलब कि क्या होता है ना, वोटर्स के बीच में, पब्लिक के बीच में अपनी इम्पोर्टेंस को जताने के लिए ना, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करती रहती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है ना, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम कभी कभी जो है ना हम लोग को जो है ना कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, तो यही चीज होता है क्या है, तो इस तरह से हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। इट इज ट्रू दैट देर इज अ पॉलिटिकल पार्टी, इट इज ट्रू दैट अ लार्ज नंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम अनवाइंग फैक्टर टू। इसलिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का होना भी हमारे लिए क्या हो जाता है ना, कभी कभी एनवाइनिंग हो जाता है हमारे लिए, वो सिरदर्द एक तरह से हो जाता है। बट ये फैक्ट है कि हमारा जो है ना डेवलपमेंट नहीं हो सकता, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है जब तक कि पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द पॉलिटिकल पार्टीज। देयर इज, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, but there is no denying the fact that the development of a country is directly linked to the political parties, yani ki directly linked hota hai political party ka jo hai na country ke development, ek country ka development jo hai na us political party se bhi directly linked hota hai, and this can be judged from the following facts। aur in sare baaton ko na kis cheez se hum log judge kar sakte hain, to chaliye baat karte hain pehle point ka। to pehla point ye hai ki in democracies elections are fought among the candidates put up by the political parties, hence they offer choice to the citizen and get a referendum as per the work done by them in the public interest। मतलब क्या होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी जो है ना डेमोक्रेसी में क्या करती है, डेमोक्रेटिक सेटअप में पॉलिटिकल पार्टी जब भी कोई इलेक्शन आता है तो अपने अपने कैंडिडेट्स को वो उतारती हैं, ठीक है ना, और उन कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि पब्लिक के पास यानी कि जो वोटर्स होते हैं या जो सिटीजन्स हैं उनके पास जो है ना काफी सारे च्वाइसेस आ जाते हैं कैंडिडेट्स का, और इसमें से ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है ना सपोर्ट या फिर उसको रिजेक्ट करने का काम उसके परफॉर्मेंस के आधार पे, पॉलिटिकल पार्टी के परफॉर्मेंस के आधार पे होता है। जैसा भी परफॉर्मेंस रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में उसके आधार पे ना पॉलिटिकल पार्टी को क्या मिलता है, रेफरेंडम मिलता है, यानी कि उस कैंडिडेट को सपोर्ट मिलता है या फिर रिजेक्शन मिलता है। किसके आधार पे जी, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टी का जैसा परफॉर्मेंस होता है उसके आधार पे, ठीक है। तो रिफरेंडम यानी कि जनमत किसके आधार पर मिलता है, पब्लिक इंटरेस्ट में किए गए पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा काम के आधार पर होता है। ये रहा बात पहला, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट का। दूसरा पॉइंट क्या है, पार्टी शेप अप पब्लिक ओपिनियन, पार्टी जो है ना पब्लिक ओपिनियन को बनाने का भी काम करती है, एंड प्ले अ रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द स्टेट और कंट्री। मतलब कानून बनाने का काम भी ना पॉलिटिकल पार्टी ही करती है। अब कैसे पॉलिटिकल पार्टी, देखिए जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो वो सरकार में शामिल होती है यानी कि गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट बनाती है तो उस तरह के पॉलिटिकल पार्टी को रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। और जब रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है ना, सरकार में बैठ के वो क्या करती है, पूरे कंट्री के लिए कानून बनाती है या फिर स्टेट के लिए कानून बनाती है, ठीक है। तो इस तरह से ना रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कहें तो पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्री के एक गवर्नेंस के लिए, ठीक है। फिर इसमें जो है ना अपोजिशन का भी रोल जो है ना काफी बड़ा हो जाता है, और अपोजिशन में भी कौन लोग बैठते हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज ही होती है जो अपोजिशन में होती है। और अपोजिशन का फिर क्या काम होता है, द अपोजिशन पार्टीज हाईलाइट द शॉर्ट कमिंग्स इन द पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टीज। जो भी रूलिंग पार्टीज का जो पॉलिसीज होते हैं, जो रूलिंग पार्टी के जो बनाया गया जो पॉलिसीज है उसमें जो शॉर्ट कमिंग्स यानी जो खामियां हो जाती है, जो कमियां रह जाती है, उसको कौन हाईलाइट करता है, अपोजिशन ही हाईलाइट करता है। तो इस तरह से इन दोनों पॉइंट से हम देख सकते हैं क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज का होना डेमोक्रेसी में कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल पार्टी गारंटीज द रन ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू द लेड डाउन रूल्स। मतलब कहें कि अगर गवर्नमेंट जो है ना वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का एक दूसरा रूप होता है, तो बिल्कुल बात गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग जो है ना वो गवर्नमेंट को भी बनाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो ठीक है। अब जो है ना ये पॉलिटिकल पार्टी ही डिसाइड करती है, ठीक है ना, वो इस चीज को तय करती है कि गवर्नमेंट जो है ना जो चले, जो कंट्री का जो गवर्नेंस होना वो कैसा चले, बिल्कुल जो कानून बना हुआ यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के अनुसार चले,
ठीक है ना, ये इस चीज को कौन इंश्योर करता है, इस चीज को ना, इस बात को पॉलिटिकल पार्टी ही इंश्योर करती है। ठीक है, तो ये हो गया एक बात। ठीक है, अब देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, अब पॉलिटिकल पार्टी हैज अकाउंटेबिलिटी फॉर नेशन एंड इट्स पीपल। एक पॉलिटिकल पार्टी का ना अकाउंटेबिलिटी होता है नेशन और पब्लिक के लिए, मतलब क्या होता है ना, और हेंस दे हैव टू इंश्योर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब अब तो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, अगर एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो पूरे कंट्री के विकास और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात सोचेगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा ना, अगर एक क्षेत्र का विकास हो दूसरे क्षेत्र का विकास ना हो, मतलब कि एक एरिया का, एक रीजन का अगर विकास हो जाए और दूसरे रीजन का अगर डेवलपमेंट ना हो, तो उससे क्या होगा ना, एक चांसेस बन सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को वो रिजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है ना, अगले इलेक्शन में। तो ये चीज जो है ना, एक कॉमन, एक क्या होता है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो शोल्डर करती है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा एक और पॉइंट आ गया हमारे पास कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो क्या करते हैं ना, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पूरे नेशन के तरफ में। अगर कहीं वो पब्लिक इंटरेस्ट पे ना आए, पब्लिक एस्पिरेशंस पे ना आए, पब्लिक के जो है ना एक्सपेक्टेशंस पे ना आए, तो क्या होता है ना, अगले इलेक्शन में पब्लिक जो है ना उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। इसलिए वो क्या चाहती है कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, मतलब कि चारों तरफ चौतरफा विकास हो, ये वो चाहती है। ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी इंश्योर करना चाहती है। ठीक है, अब देखिए जरा हम दूसरी बात कर ले, बात क्या कर ले, बात कर ले कि अगर हमारे कंट्री में कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो तब सिचुएशन क्या आएगा। तो यानी कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या होगा, मतलब कि नॉन पॉलिटिकल पार्टी या फिर इंडिपेंडेंट लोग आएंगे जीत के। ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी द सर्वाइवल ऑफ एनी गवर्नमेंट वुड बी एट स्टेक। मतलब किसी भी गवर्नमेंट का ना सर्वाइवल का चांसेस जो ना बिल्कुल हमेशा खतरे में आना रहेगा, उसका सरकार की लॉन्गेविटी, सरकार कितने दिन चलेगी ना, ये बिल्कुल कह पाना मुश्किल होगा। ठीक है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है ना हमेशा एक बहुत बड़ा क्या होगा, वो चैलेंज रहेगा उस गवर्नमेंट है। क्यों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इंटरनल पुल्स एंड प्रेशर अमंग द नॉन पॉलिटिकल पार्टीज। नॉन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ना क्या होगा ना, पुल्स एंड प्रेशर, क्योंकि कोई कॉमन, कोई भी कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा। कैसे स्टेट चले, कैसे कंट्री चले, इसके बारे में उनका जो है ना वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, सारे लोग क्या चाहेंगे, अब देखिए अगला पॉइंट है कि नॉन पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉन पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या चाहेंगे, विल बी अकाउंटेबल टू देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो आते हैं ना, वो उसका ही डेवलपमेंट, उसके लिए ही ज्यादा सोचेंगे वो बात। ठीक है ना, और इस तरह से जो है ना वो बहुत ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा कि सरकार कैसे कंट्री को चला रही है, उससे ज्यादा जो है ना नेशन इंटरेस्ट से ज्यादा जो है ना उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का इंटरेस्ट जो है ना उनको ज्यादा, उसके लिए वो इच्छुक होंगे, ज्यादा वो जो है ना क्या होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो। ठीक है ना, और उसके लिए वो ज्यादा कंसर्न्ड दिखेंगे। ठीक है ना, रादर देन द नेशंस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया एक बात। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, दे कैन नॉट मेक प्रॉमिस फॉर द मेजर पॉलिसी चेंज। मतलब अगर कोई मेजर पॉलिसी चेंज करना है ना, तो उसके बारे में नहीं सोचेंगे, वो कहां रहेंगे, वो तो बिल्कुल सोचेंगे कि अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट हो। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं प्रोस एंड कॉन्स दोनों साइड में। एक साइड में हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज है और दूसरे साइड में जब हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, तो इन दोनों सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद हम लोग को ऐसा बिल्कुल ऐसा दिखने लगा है क्या कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना काफी मैंडेटरी एक चीज होता है। ठीक है ना, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो अब इसको जो है ना हम इसलिए इसको जो है ना हम कंक्लूड कर सकते हैं, इन द इसको इस तरह से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि इन नटसेल वी कैन से, और जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाना उसको हमको सपोर्ट कर देना। लाइक अगर हमसे पूछा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो हम लिख देंगे क्या कि इन नटसेल वी कैन से पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर इस तरह का आ जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ मेजर रोल इन डेमोक्रेसी, तो हम इसी चीज को लिख देंगे कि नीडलेस टू से, या फिर कह सकते हैं क्या, इन नटसेल वी कैन से द पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ मेजर रोल इन डेमोक्रेसी। ठीक है, थैंक यू।